नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम सुठालिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कार्यक्रम के बाद सुठालिया के कार्यकर्ताओं व आम जनता की राय समय जगत की टीम द्वारा जानी गई। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है आम लोगों का। दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प ले बोलिए भारत माता की। सीएम साहब का कार्यक्रम था सुठालिया में, तो सीएम का ये तीसरा प्रवास है, तीसरा या चौथा है आपके आपके तहसील में? क्या लग रहा है आपके जो प्रत्याशी जो के विपरीत माहौल है, ऐसा क्या लग रहा है? बहुत भारी मतों से जीतेंगे। विकास कार्य किए उनने, जो अगले चाहे तहसील का मामला हो, हॉस्पिटल का मामला हो, कॉलेज का हो, सड़कें, चारों तरफ विकास ही विकास है। आज तक 70 साल में आज तक कोई विकास नहीं हुआ। 70 साल में जो 5 साल देखा है वो विकास पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। तो सहानुभूति के वोट मिल रहे हैं सामने, ऐसा लग रहा है कांग्रेस नहीं, नहीं, के कांग्रेस किस कांग्रेस नहीं, कांग्रेस किस चीज की सहानुभूति? कांग्रेस प्रत्याशी को ये बता रहे हैं लोग कि जो सहानुभूति के वोट मिलेंगे, लोग विकास पे मिलवा गया था, लोग करोड़ों लेके आ गया, लोग विकास को विकास पे वोट करेंगे कि सहानुभूति पे करेंगे? सुठालिया क्षेत्र की पब्लिक समझदार है, जो सहानुभूति को वोट करेगी कि विकास को? क्या लग रहा है आपके पवार साहब की जीत सुनिश्चित मानी जाए? 25,000 वोटों किस आधार पे देंगे इतनी भारी जीत? विकास के आधार पे वोट मिलेंगे, जो काम ही उन्होंने उससे किया आज तक कोई विधेयक कार्य भी मिल पाएगा अभी तक किसी ने भी काम नहीं किया। कांग्रेस के कार्यकाल में बेरोजगारी भत्ता भी तो नहीं मिला, एक भी लोग को क्या मिला वो भी तो बताइए आप। डिलीवरी हो जाए 3 लोग मांग लेके जाए। आपके सुठालिया क्षेत्र को क्या है जो सौगात दीन लोग भाजपा पार्वती डैम यहाँ पर ला के दे दिया, एक से बढ़ के एक काम किया वो सारे ग्रामीण में भी, एक से बढ़ के एक काम किया। पास में बारूचा की स्कूल कर दी मऊ में, उधर गांगुली में बारूचा की स्कूल कर दी, स्टेडियम मऊ में स्टेडियम दिया। कुल मिला के विकास पे वोट पड़ेगा। सुठालिया क्षेत्र की जनता सहानुभूति या अन्य चीज पे विश्वास नहीं करती है, केवल और केवल विकास। आज आप लोग यहाँ सुठालिया आए थे, क्या कार्यक्रम था, क्यों आना हुआ आपका? आपका बच्चा वोट देवा का सीएम साहब आए थे, सीएम साहब आए थे प्रचार करने के लिए, इसलिए आए थे। क्या क्या मैसेज गया सीएम साहब के आने से, कोई असर हुआ सुठालिया क्षेत्र में? बहुत असर हुआ उनके आने से, और उनने जो मुआवजे की घोषणा की उससे जनता में बहुत परिवर्तन होगा और बहुत अच्छा संदेश आए। आप दूर दूर से आए हैं, गांव में क्या मैसेज देंगे जाकर के, क्या बताएंगे? हम जाकर के बताएंगे कि यहाँ शिवराज सिंह जी चौहान आए थे, उन्होंने जो आम सभा में बात रखी है अपनी, वो नारायण सिंह पवार के पक्ष में जिताने के लिए, वो सारी बात हम जाकर के गांव में बताएंगे। सुठालिया क्षेत्र का जो बीमा नहीं आया था, कुछ लोग नाराज चल रहे थे, क्या बीमा आ गया है? सब कुछ बीमा आ गया है, वहाँ का पूरे पूरा संकेत है और खाते में आ जाएंगे। कम्प्लीट है उनकी बीमे की, डलने की देर है, वो डलने की भी बोल गया कि डल जाएगा आपका बीमा जल्द ही, सूची तैयार है कम्प्लीट। क्या लगता है आपको, आपके जो क्षेत्र के जो प्रतिनिधि भाजपा प्रत्याशी उनकी जीत ये जो लगभग सुनिश्चित है क्या? सुनिश्चित है बिल्कुल। आज के कार्यक्रम के बाद में ये जो लहर है उनके पक्ष में और भी भारी बनती दिख रही है, भारी बनती दिख रही है। कहाँ से आए आप लोग? सबसे पहले तो आपका नाम पता आपका परिचय बताइए, आप कौन है, क्या है, कहाँ से आना हुआ? पप्पू सिंह मेहर, तेज बोलिए। मैं पप्पू सिंह मेहर और राजगढ़ जिला का मेहर समाज का अध्यक्ष हूँ, और ये आज जो आम सभा हुई यहाँ पे बीजेपी की, उसमें मैं शामिल होने आया था अपनी समाज को लेकर, जो समाज के पदाधिकारी है उनको लेकर, मेन को, और हर एरिए से, हर जगह से, हर गांव से लोग आए हुए हैं मेरे साथ, और उनकी जो हमारी जो समस्या चल रही थी कांग्रेस सरकार की, वो मतलब समाधान नहीं हो पा रहा था, तो हमने इस कारण इस पार्टी को समर्थन बीजेपी को करना चाहा आगे। हाँ, आगे आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान आपके सुठालिया क्षेत्र में आए थे, ब्यावर आप चुनाव हुए, उनके सामने आपने सदस्यता ली, क्या कारण है, क्या भेजो ऐसी, क्या प्रेरणा मिली आपको, ऐसा क्या लगा कि ये जो भाई कांग्रेस से अच्छी ये पार्टी है, इसमें शामिल होने का क्या कारण रहा आपका? इसका कारण ये है कि पार्टी का जो काम ऊपर से लेकर नीचे तक सुचारू रूप से और सही समय पर चल रहा है, वादा खिलाफी नहीं हो रही, झूठा बोली हमारे साथ गद्दारी नहीं हो रही इस पार्टी में जनता के साथ, इस कारण हम इस पार्टी में मिलना चाहते हैं। आप लोगों पे ऐसी छाप लगी, कई जगह बताते हैं कि मेहर समाज के लोग अधिकतर कांग्रेस में जाते हैं, हाँ।
लेकिन आज आप जो कितने लोग कितने समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़कर आज बीजेपी में आए, कितने लोग होंगे आज? हमारे सारे समाज भी अभी यहाँ कितने लोगों ने सदस्यता लिया आज? 16 होंगे, कम से कम 16 कम 16 होंगे ना आज हमारे यहाँ 100 प्रमुख लोगों ने, जो समाज के 100 लोग हैं प्रमुख, उन्होंने सदस्यता लिया आज। हमारे अध्यक्ष जी भी समथिंग में हम आए हुए हैं यहाँ। मतलब यूँ है कि अभी जो सुचारू रूप से समझदार है, जागरूक है और जो समाज में भी दूसरों को समझाने वाले हैं, वो लोग यहाँ आए हैं, हमने सबको नहीं बुलाया। ऐसे कितने लोगों, कितने गांव का प्रतिनिधित्व हो रहा है या कितने गांव के लोग आए होंगे एक अंदाज से? कम से कम 15 से ऊपर ही गांव है, पूरी ब्यावरा तहसील से लगभग हर गांव से चुनिंदा अच्छा, तो क्या रणनीति बनी है अब आप लोगों की, आप पदाधिकारी समाज का जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हो, लगभग लगभग प्रमुख प्रमुख लोग आप आए हो, तो अब क्या रणनीति है समाज में, क्या मैसेज दोगे मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम सुनने के बाद आप? हमने कार्यक्रम सुन के हमको अच्छा लगा और जो उन्होंने बताया उसके हिसाब से समझाएंगे और बीजेपी की तरफ रुझान लाएंगे। नारे लगाना तो लगाइए भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के जो कैसे लोग हुए हैं ना, उन्होंने हमसे भी पूछा भैया क्यों चल रहा है, हमें आपकी सरकार का लाभ नहीं मिलता है, आप हमेशा जनता के बीच में जाके झूठ बोलते हो, 2 लाख का दिए, रोड का दिए, बिजली का दी, पानी का दिया, ये सारी चीज़ें हम खुद समझदार हो गए, काम हो रहा है और ज़मीन तक आ रहा है, इसलिए हम समझदार है, इसलिए वो क्या है, वो कांग्रेस तो एक झूठी सरकार है, इसलिए हमने यही सही समझा कि हम इसी सरकार में आके और अपना काम करें और सभी हम समाज भाई एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे और हम सभी घर घर जाके शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, हमारे नारायण सिंह पवार साहब जी के नेतृत्व में हम उनके लिए काम करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। कहाँ से आना हो आपका, आप कहाँ से आए? खेड़ी। खेड़ी, खेड़ी कहाँ है? खेड़ी मालावर क्षेत्र से। मालावर क्षेत्र से आए। आप भी ये जो इसमें शामिल हो, जो आपने सदस्यता ली है, सदस्यता लेने के बाद कैसा लग रहा है, खुशी हो रही? खुशी हो रहा है, अच्छी पार्टी है, अच्छा लगा हमें इस पार्टी में आगे। आप कहाँ से आए? मैं ग्राम जामी से आया हूँ सर। अच्छा, कैसा लग रहा है? अरे इस पार्टी से पहले भी था मेरा, लेकिन इतना मजा नहीं आ रहा था, अब एकदम सब मिलके हो गए, समाज बंधु सब साथ हो गए, तब ज्यादा साथ होगा, तब ज्यादा मजा आएगा। इसमें क्या है, पिछले चुनाव जो विधानसभा को हुए थे, पिछले चुनाव जो विधानसभा को हुए थे उसमें वादा किया था कि हम आपका सहयोग करेंगे, और विधायक जो आज इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा है उनके सामने गोवर्धन जी दांगी ने वादा किया था कि अगर हम आप अगर कांग्रेस से हम अगर जीत कर आए हैं तो आपका हम पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। हम उनके पास गए थे उसे, परंतु स्पष्ट जवाब हमको नहीं मिला है, और उसके बाद जब चुनाव दांगी जी क्या काम कर रहे हैं और फिर जब बात उनकी सरकार भी बन गई है, सरकार बनने के बाद ब्यावरा विधानसभा में अभी तक कहीं पे भी जाकर देखिएगा, एक भी धर्मशाला का भी वादा किया था वो भी नहीं हुआ, उसके बाद में कहीं पे भी ना तो साथ किए काम में कुछ भी, एक भी कट्टी अगर सीमेंट कहीं पे लगा हो तो वो बता दीजिए। हमने जो समर्थन बीजेपी का आज जो किया है, जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य ग्रहण की है, वो हमने उनकी कार्यनीति के हिसाब से ज्वाइन किया। तो अब हमारा तो ये कहना है कि सभी को यही मैसेज देना है कि हमारी समाज में आज ब्यावरा विधानसभा में 52 गांव हमारे पास है, और जिसमें भारी संख्या में हमारी समाज है 10,000 वोट, तो उस हिसाब से हमने सब ने इकट्ठा और मीटिंग करके और सब इकट्ठा हो गए, हमने ये पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया, और अभी इस विश्वास से है हम कि हर समाज हमारा बंधु वोट देगा बीजेपी। धन्यवाद। ब्यावरा तहसील के ये सुठालिया में आज सीएम शिवराज सिंह जी की सभा थी, तो उसमें कुछ युवाओं से अपन बात करते हैं, किस तरह का माहौल है यहाँ, थोड़ा जो क्या लग रहा है आपको यहाँ, जो पवार साहब है उनका जो किस तरह का जो कार्य चल रहा है, और उसके बाद क्या मुद्दे लेके चल रहे हैं, आज का युवा क्या सोचता, थोड़ा अपन जो उनसे बात करते हैं। आज का युवा सोचता है कि उसको रोजगार मिले, उसको अच्छी एजुकेशन मिले, और वो आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय शिवराज सिंह महोदय और माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं से आज जनता पूरा लाभ ले रही है, युवा लाभ ले रहे हैं और लोगों को रोजगार मिल रहा है, हाँ आवश्यकता लग रही है, अच्छी एजुकेशन दी जा रही है, ये तमाम योजना जो है अखिल भारतीय
जनता पार्टी के माध्यम से यही संभव हो रही है। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आपको, जो किस किन कामों की वजह से आप जो पवार साहब को दोबारा चुनना चाहते हैं? अगर देखा जाए तो विकास के तौर पर पवार साहब को दोबारा विधायक जी के रूप में देखना चाह रही है जनता, क्योंकि उनका विकास बोल रहा है जनता, जो देख रही है उनका विकास देख रही है। ब्यावरा से आने में 2 घंटे लगते थे लेकिन आज 20 मिनट में आ जाते हैं। यहाँ पर करोड़ों रुपये की भवन निर्माण हुआ है, ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। सुठालिया में तहसील निर्माण ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री आवास है वो सबसे ज़्यादा ब्यावरा तहसील में ही बनी, सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री। आपके जो कांग्रेस के प्रत्याशी है ब्यावरा विधानसभा, जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनके पक्ष में ऐसा भी चल रहा है, बेचारे सहानुभूति मिल रही है कि ऐसा सही आपके क्षेत्र में भी सहानुभूति का वोट मिल रहा है या विकास का वोट मिल रहा है? नहीं, विकास का वोट मिल रहा है, सहानुभूति का नहीं मिल रहा है। ये विकास देखा जा रहा है, जनता सब जानती है और जनता ने देखा है। खबर समय जगत के लिए सुठालिया से शिव सिंह परमार की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।